UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ECS T10 का जो आज का थर्ड मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा PRB और PRS मतलब पराग स्पार्टन्स के बीच में। तो कौन होंगे वो प्लेयर्स जो हमारे प्राइम टीम में होंगे, हमारे जो प्राइम 11 है उसमें कौन से प्लेयर्स होंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे उस टीम के, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। और हम आपके लिए ग्रैंड लीग्स की कुछ ऐसे टॉप पिक्स बताएंगे जिनको आपको पिक करना है ग्रैंड लीग के लिए, और स्मॉल लीग क्लीन स्वीप करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रम्प कार्ड। तो इस वीडियो में हम ट्रम्प कार्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRA, एक सेकंड, हाँ तो ये दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की, ये बात करते हैं 20 मैच की। तो मैच में आ जाते हैं, क्रिएट टीम पे चलते हैं, फिर आते हैं सिलेक्टेड बाय में और पहले सिलेक्ट करते हैं प्रोग बारबेरियंस को। तो इससे पहले इनका बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं। ओपनिंग कर रहे हैं डी सिंह, जय जगह विनसन के साथ रन बनाए पिछले मैच में, आर गोयल, उसके बाद वी मधी शेट्टी, फिर भी मुरे, फिर प्रेम नदीवाड़ा। इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप थे। अगर बॉलिंग की बात करें इनकी टीम की, तो दो दो ओवर किसने किया, दो दो ओवर किया टीकानिया लाल ने, एक भी विकेट नहीं मिला इनको। फिर एम्पुरोहित ने एक ओवर किया, दो ओवर किया, एक विकेट मिला। फिर पीयूष कुमार ने दो ओवर किया, हालांकि विकेट नहीं मिला। फिर भीमनई ने एक विकेट लिया एक ओवर में, आर गोयल ने दो ओवर में एक विकेट लिया। तो आर गोयल तो हमारी टीम में मस्ट पिक हो जाएंगे क्योंकि ये वन डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, तो हम अपनी टीम में रखेंगे आर गोयल। भी जगह विनेशन बॉलिंग कर रहे क्या, आर नहीं कर रहे दोस्तों, तो हाँ गोयल को रखेंगे। मधी शेट्टी तो बॉलिंग कर नहीं रहे, हाँ कर नहीं रहे, तो गोयल को हम टीम में रखेंगे। कहा गए आर गोयल, एक सेकंड, तो ये रहे आर गोयल, इनको पिक कर लिया हमने। फिर बात करें वी जगन्नाथन की, अगर ओपनिंग में इनको हम लेंगे, फिर डी सिंह को हम लेंगे यहाँ से, टीकानिया लाल हालांकि दो ओवर किया पर इनको विकेट नहीं मिलते। एम पुरोहित ने एक विकेट लिया लास्ट के मैच में, इनको अभी हम टीम में रखेंगे। फिर आते भी मधी शेट्टी, इनको हम अभी के लिए ड्रॉप करेंगे कि मोहित जो है ये कुछ अच्छा खासे ऑप्शन है नहीं आपके पास, है नहीं इनके, ठीक है ना। तो फिर आते पीयूष कुमार, पीयूष कुमार ने आखिरी मैच में विकेट नहीं मिला, इस वाले जो मैच था इसमें इनको विकेट मिला नहीं, देखिए इनको विकेट मिला नहीं 16 की इकोनॉमी बॉलिंग के, पर अभी जो मैच होगा इसमें इनको विकेट मिल सकते हैं क्योंकि बॉलर अच्छे हर एक मैच में आपको एक से दो विकेट निकालते हर मैच में आपको दिखेंगे। इस मैच में नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं अगले मैच में नहीं मिलेंगे, हम इनको पिक करेंगे अपनी टीम में। इनको पिक कर लिया, फिर हम देखते हैं हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शंस क्या क्या, हमारे पास तीन बॉलिंग के ऑप्शन है, पुरोहित, पी कुमार और गोयल, और बैटिंग में हमने लिया है तीन को, तो ये पाँच प्लेयर्स हमारे टीम से हो गए। अगर बात करें PRS की, पराग स्पार्टन्स की, जो टीम ये मैच जीती थी लास्ट का मैच, तो इसमें कौन चले, इसमें चले आपके ओपनिंग कर रहे हैं धीरज ठाकुर,
वेंकट स्वामी के साथ। वेंकट स्वामी हमारे मास्टपीक हो जाएंगे। माधी रेड्डी ने 37 रन बनाए, फिर के बालाकृष्ण ने 17 रन बनाए। दोस्तों अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग किसने किया, बॉलिंग एस रवि हमारे टीम में महर होंगे, फिर एस रामचंद्र ने 2 ओवर किया, त्यागी ने 2 ओवर किया, एस कुमार ने 2 ओवर किया, फिर सक्सेना और माधी रेड्डी ने 1-1 ओवर किया। तो माधी रेड्डी की बैटिंग क्या कर रहे हैं, बहुत ऊपर ही कर रहे हैं दोस्तों। इनको रखेंगे, ये वेंकट स्वामी को रखेंगे, रवि को रखेंगे। रवि हमारे टीम में आ गए, माधी रेड्डी आ गए, फिर वेंकट स्वामी अपने टीम में आ गए। पी बलोडिया क्या कर रहे हैं, पी बलोडिया आ रहे नीचे, बॉलिंग कर रहे हैं। पी बलोडिया बॉलिंग कर नहीं रहे दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट नहीं बनेंगे हमारे टीम में। ऊपर बैटिंग कर रहा है कौन, कर रहा है ओपनिंग कर रहा है डी ठाकुर, तो हमारी टीम में पक्का हो जाएंगे। कहाँ गए, ये रहे। सिलेक्टेड परसेंटेज देखिए, सिर्फ 23%, पर हमारी टीम में पक्का होंगे। पी बलोडिया के ऊपर हम इनको प्रेफरेंस देंगे दोस्तों। फिर के बालाकृष्ण क्या कर रहे हैं देखते हैं। के बालाकृष्ण जापानी हेल्थ, के बालाकृष्ण वन डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग तो कर नहीं रहे ना, बॉलिंग नहीं कर रहे। फिर इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए संदीप कुमार। संदीप कुमार कहाँ है दोस्तों, बॉलिंग आपको दिखेंगे शायद। हाँ ये रहे संदीप कुमार, हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज से 15% सिलेक्शन है। ये देखिए हमने पिक किया 32% सिलेक्टेड बॉलर, 15% सिलेक्टेड बॉलर। हम सिर्फ वही प्लेयर्स लेंगे, हम सिलेक्शन के बेसिस पे टीम बनाते ही नहीं है। सिलेक्शन के बेसिस पे तो कोई भी टीम बना सकते हैं हम, स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेसिस करके हम टीम बनाते हैं। स्टेट्स के सिलेक्टेड परसेंटेज में हम टीम बनाते नहीं, तो पास्ट प्लेयर्स होगी इस टीम से, पास्ट प्लेयर्स इस टीम से। तो आप प्रीव्यू देख लीजिए टीम का। हमने ओपन लिया है ठाकुर को, डी सिंह को विकेट कीपिंग में, हमने ऐसे लिया वेंकट स्वामी जगनी, नाम ही क्या है इनका, नाम भी मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इतना बड़ा नाम है इनका, बेशक। फिर आते हैं आर गोयल, इनको लेंगे हम, लिया हमने। माधी रेड्डी, पुरोहित, पी कुमार, रवि और केस कुमार, इन 10 प्लेयर को हमने लिया। और एक 11वां प्लेयर कौन हो सकता है, 11वां प्लेयर हो सकता है आपकी टीम में कन्हैयालाल, जो 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। एन त्यागी जो 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, पर हालांकि इनको विकेट मिला नहीं आखिर के मैच में भी। मैंने जो बॉलिंग कर रहे हैं, क्या बॉलिंग कर रहे हो क्या शायद, अगर 2 ओवर ये करते हैं हमारे पे मस्ट पिक हो जाएंगे। 1 ओवर कर रहे हैं हमारे टीम में हो जाएंगे पिक। तो ये हो गई टीम, तो 11 टीम। तो सी और बी सी कौन बनाए, सी और बी सी का आपके पास ऑप्शन है, आपको दिखाते हैं सी और बी सी का ऑप्शन। सबसे पहले तो ये माधी रेड्डी आपके लिए सबसे बढ़िया पिक। फिर आपके आ जाते हैं यहाँ से बैटिंग में से पी जगत, एक सेकंड आपको दिखाते हैं प्रीव्यू, ये आपके कैप्टन बन जाएंगे। शायद मैं टेलीग्राम में कैप्टन ना दूँ तो ही मेरे कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टन की बात करें, हमारे वाइस कैप्टन होंगे ये या आर गोयल, इन दोनों में से कोई एक होगा। मेरे हिसाब से मैं आर गोयल के साथ शायद जाऊँगा एज ए वाइस कैप्टन, तो मैं अभी आर गोयल को वाइस कैप्टन बनाऊँगा, फिर कैप्टन बनाऊँगा माधुरी रेड्डी को, क्योंकि हम बनाते हैं कुछ एक्स्ट्रा। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमने जिसको वाइस कैप्टन बनाया ना उसका सिलेक्शन परसेंटेज देखिए, 2.29% ओनली सिलेक्टेड पे, पर हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि हम जानते हैं ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आज के मैच में, उसके हिसाब से हमने बनाया है इनको वाइस कैप्टन। हम कभी सिलेक्शन बेसिस पे टीम बनाते ही नहीं है, तो ये हमारी फाइनल टीम है। तो अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो आपको टेलीग्राम पे बताया जाएगा, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको हर एक मैच की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर ही मिलेगी। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और अगर वीडियो पर लाइक नहीं किया लाइक कर देना, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि हमारी फाइनल टीम जो आएगी टॉस के बाद जो आती है वो टेलीग्राम पर ही आएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूर। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।